सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब? आई होप फ्रेंड आप अच्छे होंगे क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैंने फ्रेंड जो सब्जेक्ट वेयर बैक एग्रीमेंट की सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है फ्रेंड, कंप्लीट सीरीज सब्जेक्ट वेयर बैक एग्रीमेंट की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, टेस्ट उसकी टेस्ट सीरीज भी उसके साथ है। और मैंने अब नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो नाउन का एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जो बेसिक बेसिक रूल थे फ्रेंड वो मैंने आप करवा दिए हैं। फ्रेंड आज वो पार्ट रहेगा जिससे डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, चाहे नेवी हो, चाहे SSR हो, चाहे EE हो, चाहे एयरफोर्स। इससे फ्रेंड आपको 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम में शिफ्ट हर शिफ्ट में सीधे इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, श्योर है, क्योंकि इसके पैटर्न में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो एयरफोर्स और नेवी का जो पैटर्न है फ्रेंड, उसमें उसमें साइट पर इन क्वेश्चनों को दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड अगर आप हमारे फर्स्ट ईयर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, और साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड जितना हो सके फ्रेंड आपका ये चैनल को जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड, जितना भी हो सके जितना आप वीडियो को शेयर करोगे फ्रेंड उतना ही ज़्यादा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट देखना फ्रेंड, मैंने आपको कल जो जेंडर होते हैं फ्रेंड, जेंडर मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो मास्कुलाइन फेमाइन और जो कॉमन जेंडर होते हैं न्यूट्रल जेंडर, कल उसके बारे में मैंने आपको बेसिक बेसिक्स आपको बता दिया था, और आज मैं आपको कंप्लीट PDF से करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखना, जैसे जेंडर क्या होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड जेंडर? फोर टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड? ये फोर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने बताया था आपको मास्कुलाइन फ्रेंड जो एग्जाम में पूछा जाता है ना फ्रेंड, कैसे पूछा जाता है? मास्कुलाइन टू फेमाइन जेंडर चेंज करना आता है। क्या? मास्कुलाइन टू फेमाइन जेंडर चेंज करना आता है। ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, क्या एक नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो पिछली बार फ्रेंड जो आया था ना, जो मैंने अपनी शिफ्ट में देखा था, वो विडो का आया था। ठीक है, जो विडो होता है फ्रेंड, फेमाइन जेंडर होता है विडो, जो जो लेडीज जो विधवा हो जाती है उसे क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। तो इसका जो मास्कुलाइन जेंडर क्या होता है, ये मेरी शिफ्ट में आया था, तो क्या होता है फ्रेंड? वो होता है विडोवर। ठीक है, क्या होता है? विडोवर, जो विदुर होते हैं। ठीक है, जो ठीक है, तो फ्रेंड आप फ्रेंड इसमें जितने भी ना फ्रेंड आपको जो मिलेंगे ना फ्रेंड, उनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने देखे ना हर शिफ्ट में, इन्हीं में से आए थे, इस PDF में से आए थे। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी में से आए थे, इससे बाहर नहीं आए थे। ठीक है, सब शिफ्ट के पेपर। तो फ्रेंड आपने अगर इन इन जो रूलों को पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे मास्कुलाइन जेंडर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, जो पुरुष जाति का जो पुल्लिंग का बोध ग्रह, जैसे मेल हो गया फ्रेंड, जैसे टाइगर हो गया, पावर हो गई फ्रेंड, जो कुछ पावर होती है, जैसे जैसे फ्रेंड पावर हो गई, वायलेंस हो गया, फादर सन, ठीक है सूर्य, तो समर हो गए ऋतु, ठीक है टाइम हो गया, जो टाइम हो गया फ्रेंड, तो टाइम भी हम ना फ्रेंड मास्कुलाइन जेंडर में काउंट करते हैं। कुछ होते हैं फ्रेंड जिसे मास्कुलाइन में जिन्हें प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, जैसे थंडर होगा, ठीक है, और जो फेमाइन होते हैं फ्रेंड, जो स्त्रीलिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे फ्रेंड जो फीमेल होते हैं, जैसे टाइगर्स, टाइगर तो क्या हुआ मेल, टाइगर्स, टाइगर्स के साथ इस लगा दिया तो टाइगर्स वोमैन होगी, लोइनस हो गया, लोइन शेर, लोइनस शेरनी, तो मदर सिस्टर पीस, जो पीस होती है नेचर प्रकृति होती है, अर्थ पृथ्वी, तो गोडेस, ठीक है गोड भगवान, जो गोड जैसे गोड होता है ना फ्रेंड, वो मास्कुलाइन में काउंट होता है, गोडेस होता है ना फ्रेंड, ये फेमाइन में काउंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, जो कॉमन जेंडर होते हैं फ्रेंड, जिसका हमें मास्कुलाइन फेमाइन बताना हो, ठीक है फ्रेंड, जिसका जेंडर भी बताना हो, क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जैसे चाइल्ड हो गया, ठीक है बच्चा फ्रेंड, ये गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है बेबी हो गया, टीचर हो गया, लेडी टीचर होती है, ठीक है, और सर्वेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया, कजन हो गया, ठीक है इन्फेंट हो गया, थीफ, नेबर्स, ठीक है, इसमें आपको कोई भी पुरुष भी इंक्लूड होता है, लेडीज भी इंक्लूड, दोनों हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, एक होता है फ्रेंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जो निर्जीव होते हैं ना फ्रेंड, निर्जीव, ठीक है, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, नपुंसक जो होते हैं, जैसे कॉपी हो गई फ्रेंड, पेन हो गया, बुक हो गई, पेपर हो गया, TV हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के जो मेटेरियल होते हैं, ठीक है फ्रेंड, वो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो इनके साथ जो इनका जो केस का यूज करते हैं फ्रेंड, जो सब्जेक्टिव केस, जो नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का, तो इट का यूज करते हैं। ठीक है, इट, इट्स, इट, ठीक है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में बेसिक। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जेंडर क्या होते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखना, आज मैं आपको मोस्ट जो जो आते हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछ जाते हैं डायरेक्ट, आज मैं आपको उनको करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, ये वो रूल है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मास्कुलाइन टू फेमाइन जेंडर कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड? आपको ये भी पूछ सकता है फेमाइन टू
मास्कुलाइन या मास्कुलाइन टू फेमाइन, तो आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको फ्रेंड अगर दोनों पक्ष का बताना फ्रेंड, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखना स्टार्ट से बिल्कुल। जैसे फ्रेंड कुछ होते हैं ना फ्रेंड, जैसे मास्कुलाइन हो गया है पुरुष, ठीक है, फेमाइन हो गया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो फ्रेंड इनको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ वर्ड आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, जैसे ट्रिक से, ठीक है फ्रेंड, ट्रिक से इसमें कंसेप्ट ट्रिक से लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये देखना जैसे ऑथर होता है, लेखक होता है, ठीक है फ्रेंड, उसका हम फेमाइन कैसे, ऑथर्स उनके साथ ई एस, फ्रेंड ये कुछ ऐसे वर्ड यही सीरीज में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ फ्रेंड ई एस लगाने से, ई डब्ल्यू एस लगाने से वो क्या बन जाएंगे, फेमाइन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ऑथर्स होगा लेखक, तो ऑथर्स ये हो गया ऑथर्स, ठीक है, ये हो जाएगी लेखिका हो जाएगा। जैसे होस्ट मेजबान, ठीक है, होस्टेस हो गया, जैसे जीव जेविस हो गया, मेयर मेयरस हो गया, पोइट कवि पोइटस, जो लेखिका जो कवित्री होती है फ्रेंड, जैसे कवित्री का जैसे, तो पोइटस होता है, जैसे ट्यूटर हो गया ट्यूटर्स हो गया, सेपर जो बेड गडरिया हो गया, ठीक है, जैन दानो जैनटस, हेयर उत्तराधिकारी हेयरस, लोइन लोइनस, लोइनस का मैं बताया था जी मास्कुलाइन होता है, फेमाइन होता है, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार के फ्रेंड कई वर्ड होते हैं, जैसे प्रिस्ट पुजारी होता है प्रीटेस्ट, ठीक है, जैसे और देखना टेलर दर्जी टेलर्स, तो इस प्रकार के रूल होते हैं फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको इसका फ्रेंड इसका जो पीडीएफ है ना, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आप इस पीडीएफ को जरूर देख लेना, क्योंकि इससे बार क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखना, जैसे एक्टर का एक्टर्स हो गया, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्टर्स हो गया, हंटर का हंटर्स हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, वेटर का वेटर्स हो गया, एम्बेसडर एम्बेसडर, तो इस प्रकार के इनके साथ ईएस लगाने से बनता है। ठीक है फ्रेंड, ये रूल मैं आपको बेसिक बेसिक में बता दूंगा, और आप पीडीएफ से अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। ठीक है फ्रेंड, और देखना जैसे और कुछ भी होते हैं, जैसे ये दे रहा हूँ ये देखना फ्रेंड, जैसे इम्प्रेर इम्प्रेर, तो इम्प्रेस फ्रेंड, जैसे ओ आर है ना फ्रेंड, इसका ओर हट जाएगा, इसके पीछे ई एस लग जाएगा। ठीक है, कहीं आपको इसके पीछे ई एस लग दे दे तो आप कन्फ्यूज मत हो ना, जैसे इम्प्रेर इम्प्रेस, गवर्नर गवर्नस, ड्यूक ड्यूकस, ठीक है, गॉड गोडेस, मास्टर मिस्टर्स, ये सोर्सर तो सोर्सर्स, तो इस प्रकार कुछ फट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो फ्रेंड बेसिक बेसिक से होते हैं, क्योंकि इसके ई एस डब्ल्यू एस लगाने से बनता है। ठीक है, ये तो आपको ऊपर पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये देखना फ्रेंड, ये रूल होते हैं फ्रेंड जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये रूल है जो एग्जाम पूछ, जैसे मैन सर्वेंट हो गया, तो मैं जो फ्रेंड जो चेंज होता है ना मास्कुलाइन का, इसमें जो मैन सर्वेंट है तो मैन का क्या बनेगा, मेड सर्वेंट, जो मैन है ना फ्रेंड, जो मैन वर्ड है वही चेंज होगा और बाकी सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो सर्वेंट है सर्वेंट सेम रहेगा, मैन का किस में चेंज होगा, मेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैन सर्वेंट हो गया, ठीक है, जो मनुष्य जो नौकर होता है, ठीक है, या मेड नौकरानी होगी, ठीक है, मेड सर्वेंट नौकरानी हो गया, या ये नौकर हो गया नौकरानी होगी। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, जैसे वाशरमैन का वाशर वोमैन हो जाएगा, मैन का जो मैन वर्ड है मैन, यहाँ पे वोमैन हो गया, तो इस प्रकार के वर्ड चेंज होंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे बक रैबिट हो गया, डो रैबिट हो गया, ब्रोदर इन ला सिस्टर इन ला, ही बियर सी बियर, ठीक है, ही पुरुष सी ही सी, बुल कौ, जैक एस जैनी, हेडमास्टर हेडमिस्टर्स, मिल्कमैन मिल्कमैड, पोस्टमास्टर पोस्टमिस्टर्स, पीकॉक पीहैन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, ठीक है, तो फादर इन ला मदर इन ला, स्टेप फादर स्टेप डॉटर, ही गोट सी गोट, कॉक स्पैरो हैंसपोरो, तो इस प्रकार के वर्ड हैं फ्रेंड, आप अच्छी तरह इन्हें देख लेना। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको सब पीडीएफ तुम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, और देखना फ्रेंड, ये देखना जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, ये देखना फ्रेंड, जो कुछ विशेष होते हैं फॉरेन वर्ड, तो ये जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, जो प्रशासक होते हैं फ्रेंड, प्रशासक, तो ये प्रशासक होते हैं फ्रेंड, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, तो इसका क्या बनेगा, प्रशासिका हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकाश प्रशासिका, तो ठीक है फ्रेंड, जैसे एजुकेटर एजुकेटरिस, लैड लड़का, लेस हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखना, ये देखना फ्रेंड, फ्रेंड जो मोस्ट मोस्ट हैं एग्जाम में पूछ जाते हैं वो वर्ड ये हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे अब की बार फ्रेंड जो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया था विडो का, ये रहा फ्रेंड, ये देखना, ये विडो का, ये रहा विडो का जो फेमाइन दिया था उसने मास्कुलाइन पूछा था, विडोवर हो जाएगा। ठीक है, विदुर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इससे बाहर नहीं मिलेगा फ्रेंड। एक आपको और बताता हूँ, जो पूछा गया था, जैसे बैचलर का होगा फ्रेंड, ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बैचलर का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ठीक है, हैं, और देखना फ्रेंड, और भी जो पूछे गए थे फ्रेंड, जैसे जो प्रोजिक्यूटर है ना फ्रेंड, ये फर्स्ट वाला, ये इसका जो ये पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार के फ्रेंड, जैसे ये राम, जैसे मर्क का, ये पूछा गया था एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ मैन मैन है जो एग्जाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे बाहर जो पीडीएफ है ना फ्रेंड, चाहे तो स्क्रीन शॉट लेना, मैं आपको वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इनसे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लेडी, ही सी, हस्बैंड वाइफ, नेफ्यू नाइस, ठीक है, सर मैडम, विडोवर विडो, विजार्ड विच, तो जेंडर गीज, जेंडर का जो गूज हो जाएगा, हार्ट रो, हॉर्स मेयर, किंग राजा, क्वीन रानी, मैन
आदमी, वुमेन, औरत, मिस्टर, मिस, शिप, यू, सन, डॉटर, अंकल, आंट, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड है फ्रेंड, आप इनको इनको देख लेना ठीक है फ्रेंड। मैं आपको बेसिक बेसिक आपको बता रहा हूँ ठीक है। जैसे ये देखना फ्रेंड, ये देखना जो सिंगुलर टू प्लुरल चेंज करना होता है ठीक है फ्रेंड। इस फ्रेंड एक फ्रेंड आपको एक तो एक नंबर का तो मास्कुलाइन टू फेमाइन मिलेगा और एक नंबर का ये मिलेगा ठीक है, सिंगुलर टू प्लुरल चेंज करना। फ्रेंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक नंबर का इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगा, अगर फ्रेंड आपने इन्हें नहीं किया ना तो आपका एक नंबर एग्जाम से कट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा आपको ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये जो एयरफोर्स ने जो पैटर्न दिया है ना फ्रेंड, जो सिलेबस का जो पैटर्न दिया है उस साइट पर ये है ठीक है फ्रेंड। ये आई बार पूछ जाता है, मैंने एग्जाम में भी देखा ही नहीं ठीक है, तो ये आपको पूछे जाएंगे ठीक है फ्रेंड। जैसे सिंगुलर टू प्लुरल के फ्रेंड, जैसे बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, टेबल्स का टेबल्स, तो इस प्रकार कुछ वर्ड होते हैं ठीक है फ्रेंड, जो डायरेक्ट ये तो सिंपल होते हैं ठीक है फ्रेंड। रूल होते हैं फ्रेंड ये देखना, जैसे जो पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंड जिस नाउन के अंत में फ्रेंड एस डबल एस सी एच, फ्रेंड ये सी एच वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है ठीक है सी एच वाला ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सारे, एस एच जेड एक्स, जो वाक्य नाउन के अंत में ना फ्रेंड जब इनका यूज हो ठीक है, तो इनका यूज हो तो इन्हें प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, उसके अंत में ईएस लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना, क्या लगा देंगे उसके अंत में ईएस लगा देंगे ठीक है फ्रेंड। जैसे ये एग्जांपल देखना, जैसे बस हो गया, बस के अंत में क्या है एस है, तो फ्रेंड जैसे एस हो गया फ्रेंड, उसके अंत उसके पीछे एस तो हम लगा नहीं सकते फ्रेंड, एक बार तो डायरेक्ट होगी उसका प्लुरल एस लगा के बना सकते, क्योंकि या डबल एस दे दिया इसके पीछे भी हम एस ही लगा सकते ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा ठीक है, इनके पीछे ऐसे लगा तो क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना ही पड़ेगा प्रूफ बनाने के लिए, ये तो सिंपल है। लेकिन फ्रेंड सी एच होता है, ये एस एच होता है, और जो एक्स वाला होता है फ्रेंड, ये तीन होते हैं मोस्ट, ये आपको याद रखना, सी एच वाला बहुत मोस्ट है ये एग्जाम में पूछा जाता है, और जो एक्स वाला ठीक है फ्रेंड। तो ये देखना इसके रूल, जैसे बस हो गया तो बसीज हो गया ठीक है, वॉच वॉचिज हो गया, एस एसिज हो गया, फिक्स फिक्सिज हो गया, चर्च चर्चिज हो गया, फोक्स फोक्सिज, स्विच स्विचिज, कैनवस कैनवसिज, क्लास क्लासिज, क्विज क्विज क्विजिज ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार बनते हैं ठीक है फ्रेंड, ये देखना हो, और ये जो ये देखना फ्रेंड ये रहा, जैसे टैक्स हो गया टैक्सीज, बॉक्स बॉक्सिज हो गया, एक्स वाले बता दी फ्रेंड, जैसे एक्स हो पीछे बॉक्सिज हो गया, डिश डिशिज को ठीक है फ्रेंड। इन्हें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको ये चेंज कर दिए तो ठीक है सिंपल, लेकिन फ्रेंड जैसे आपको स्टो फ्रेंड आपको मैं बता देता हूँ, जैसे या वॉच है सी एच वॉच, लेकिन यहाँ जो सी एच है ना इसको हम चै नहीं पढ़ सकते, जैसे वॉच स्विच चै, तो लेकिन ये फ्रेंड ये क्या पढ़ा जाए, बोलो जैसा प्रोनाउंसिएशन करोगे क्या करोगे प्रोनाउंसिएशन का, तो स्टोमैक होता है, स्टोमैक स्टोमैच नहीं कह सकते, स्टोमैच ये क्या होता है स्टोमैक होता है ठीक है। तो फ्रेंड जब वक्त सी एच आए ना तो फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया ईएस लगाना है, और खाली जिसके जिसके लास्ट में कै की आए ना, कै की साउंड कै, तो उसके पीछे क्या लगाना है आपको ओनली एस लगाना है, क्या लगाना है ओनली एस लगाना है ठीक है फ्रेंड। ये छोटी छोटी ट्रिक है आप याद रखना, जैसे लोकस हो गया लोकी, रेडियस रेडियाई, ऑक्स ऑक्शन ठीक है फ्रेंड। जो रेडियाई वाला ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है, ये रेडियाई वाला ये रेडियो वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट रूल देखना ये फ्रेंड, ओ वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके नाउन के अंत में ओ आता है फ्रेंड ठीक है, जो कोई व्यंजन जो कॉन्सोनेंट होता है ठीक है फ्रेंड, इसके पहले जो कॉन्सोनेंट हो ना फ्रेंड, तो फ्रेंड जैसे ओ गया, ये क्या है ओ क्या है, ये ओ क्या ए ई आई ओ यू फ्रेंड, जो वाउल होते हैं फ्रेंड मैंने आपको बताया था वाउल फ्रेंड, वाउल की पहचान आप ऐसे ही मत करना ए ई आई ओ यू वाले वाक्य, जो आपको आपने पढ़ा होगा आठवीं नौवीं क्लास में ए ई आई ओ यू, ये वाउल होते हैं फ्रेंड, आप ऐसे याद मत करना ठीक है। आपको क्या याद करना है ऐसे लेकर जो एह तक है ना फ्रेंड, हिंदी में बोल के देख लेना आप, तो अगर इनकी साउंड आए ना तो क्या होते हैं वावल होते हैं ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो रूल फ्रेंड कई कई जगह फैल हो जाता है ठीक है। जैसे वावल का जो ए आई ओ रूल वाला फ्रेंड रूल है, ये कई कई जगह ना फ्रेंड ये फैल हो जाता है ठीक है, इस लगता तो है ठीक है फ्रेंड ये, लेकिन कई कई जगह फ्रेंड ये वर्ड यूज नहीं होता ठीक है फ्रेंड। तो आपको ना ऐसे लेकर अह तक तो ये वावल होते हैं, और जो कैसे लेकर फ्रेंड ये क्या नहीं तक होते ना, ये क्या होते हैं फ्रेंड ये कॉन्सोनेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड, ये रूल याद रखना ठीक है। जैसे फ्रेंड जिसके अंत में ओ ना फ्रेंड, तो उसका प्लुरल बनाते समय क्या करेंगे, उसको ईएस लगा देंगे, क्या करेंगे ईएस लगा देंगे, जैसे हीरो हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, कार्गो कार्गोज, पोटैटो पोटैटोज, मैंगो मैंगोज, इको इको इकोज ठीक है फ्रेंड। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं अपवाद, जैसे फ्रेंड डायनेमो, इसके अंत में भी ओ है तो फ्रेंड आप सोचोगे इसके पीछे भी ईएस लगा दे फ्रेंड, कन्फ्यूज करने के लिए ना ज़्यादातर जो एक्सेप्शन होते हैं ना एग्जाम में वही दिए जाते हैं फ्रेंड, ये सिंपल रूल नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादातर एक्सेप्शन मिलेंगे ठीक है, एक्सेप्शन नहीं ज़्यादातर एग्जाम पता है फ्रेंड स्टूडेंट को, इन्होंने स्टूडेंट जो रूल रट लेते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन होते हैं ना फ्रेंड उन्हें नहीं रट पाते ठीक है, उन्हें नहीं पढ़ पाते, और सीधा
अब देखा ओ तो उसके पीछे ईज लगा देंगे, ओ वो यहाँ पर एक जनवरी का क्वेश्चन है गलत कर देगा, ठीक है फ्रेंड वो यहाँ पर एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन होते हैं फ्रेंड उन्हें जान से देख लेना, ठीक है। जैसे डायनमो होगा डायनमोज, रेशो रेशोज, सोलो सोलोज, मोमेंटो मोमेंटोज, मोमेंटोज, ये फ्रेंड ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, मोमेंटोज ये पूछा जा चुका है, ठीक है। क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ये दी थे मोमेंटो, इसका मोमेंटोज होगा, ठीक है। पियानो पियानोज, फोटो फोटोज, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार के जो मोस्ट मोस्ट रूल हैं ये आपको दे लेना, और फ्रेंड आपको जो अच्छी तरीके पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम से पहले एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इससे आपको अच्छी तरह क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखना, जैसे फ्रेंड जब डबल वावल लगे हो किसी नाउन के अंत में, डबल वावल जैसे डबल ई हो गया, डबल ओ हो गया, डबल ओ ई हो गया, जैसे ठीक है। तो इस प्रकार के होते हैं, जैसे इनके अंत में फ्रेंड क्या करते हैं सिंपल एस लगा देते हैं, जैसे बी का बीज हो गया, जू का जूज हो गया, ठीक है। वो ट्री ट्रीज हो गया, रेसो रेडियो रेडियोज हो गया, ठीक है। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के होते हैं, ये सिंपल से होते हैं फ्रेंड, ये तो ज्यादा कुछ टफ नहीं होता फ्रेंड। एक वाई वाला होता है जैसे आई एस लगाते पीछे, जैसे जिसके अंत पे वाई दिया हो ना फ्रेंड, उससे पहले कोई व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मैंने बताया था कैसे लेकर, क्योंकि अगेन जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो ना फ्रेंड वाक्य के जो अंत में, जो जो वर्ड के अंत में ये हो, तो उनका प्लूरल आई एस लगाने से बनता है। किससे बनता है? आई एस लगाने से उसका प्लूरल बनता है। जैसे क्राई हो गया, क्राई के अंत में वाई हटा देंगे, आई एस लगा देंगे। फैमिली हो गया, फैमिली का प्लूरल बनाएंगे फ्रेंड, तो फैमिलीज, तो आई एस लगा देंगे। सिटी सिटीज, लोरी लोरीज, कंट्री कंट्रीज, पोमी पोमी, ये पोनी पोनीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, ठीक है, डिक्शनरीज, रिप्लाई रिप्लाईज, ठीक है फ्रेंड। रिप्लाई होता है रिप्लाईज होता है आई एस, ठीक है। इसका प्रॉब्लम नहीं तो रिप्लाईज आई एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फ्रेंड इसके जो एक्सेप्शन है वो, जैसे फ्रेंड ये जो कीज हो गया, प्रेज हो गया, वेज हो गया, फ्रेंड ये सिंपल है, ठीक है। इसके कोई एक्सेप्शन भी नहीं है शायद मेरे साथ, इसके तो एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे टॉयज हो गया, डंकीज हो गया, ठीक है फ्रेंड, सिंपल है। और नेक्स्ट देखना फ्रेंड ये एफ वाले, जिसके अंत नाउन के अंत में फ्रेंड एफ ओ या एफ ई ओ, ठीक है, उसका प्लूरल बनाने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, एफ ओ या एफ ई ओ, तो उसके हटा के क्या लगा देंगे, उसकी जगह हम लगा देंगे वी ई एस का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देखना वर्ड, यदि जैसे काफ काफ अ काल्व्स, काल्व्स बन जाएगा, ठीक है। काफ दिया, काफ अ काल्व्स बन जाएगा, ठीक है। काल्व्स, वाइफ व्यूस हो जाएगा, इसका वाइफ का व्यूस हो जाएगा। वोल्व का वोल्व्स हो जाएगा, लीफ लीव्स हो जाएगा। सेल्फ सेल्फ्स हो जाएगा, हाफ हाफ्स इसका हाफ्स हो जाएगा, ठीक है। थीफ थीव्स हो जाएगा, लाइफ लीव्स हो जाएगा, नाइफ इसका नाइव्स हो जाएगा, लोव का लोव्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार के वर्ड होते हैं ज्यादातर कुछ एग्जाम में फ्रेंड इनके पूछे नहीं जाते, ठीक है फ्रेंड। जो मैन मैन मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिलीफ का फ्रेंड इनके जो एक्सेप्शन होते हैं देखना, जैसे एफ के आगे आप सीधा वी एस लगा दो। जैसे बिलीव का होता है फ्रेंड बिलीफ, विश्वास, बिलीफ बिलीव्स, इसका इसके साथ ओनली एस का यूज होगा, ठीक है। किसका यूज होगा? इसके साथ ओनली एस का यूज होगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे क्लिप होगा क्लिप्स, ग्रिप ग्रिप्स, प्रूफ प्रूफ्स, सेफ सेफ्स, ट्रफ ट्रफ्स, चीफ चीफ्स हो गया, डवार्फ डवार्फ्स, जैसे गुल्फ गुल्फ्स, ठीक है फ्रेंड। हर फ्रेंड जैसे ग्रामर के हर रूल भी होते हैं, लेकिन फ्रेंड उनके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड। ग्रामर के रूल भी होते हैं, उनके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड हम रूलों को ये याद कर ले, तो जो एक्सेप्शन होते हैं ना फ्रेंड डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सेप्शन से ही बनते हैं। वो जो इंडिविजुअल ने हम अपवाद कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखना फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछ जाते हैं वो देखना फ्रेंड, ये इनका सिमिलर टू ब्लर कैसे बनता है, ये देखना फ्रेंड। जैसे मैंने आपको मैन वर्ड बताया था, वहाँ पे मैन वर्ड का जो जैसे मैन सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट, इस प्रकार कुछ वर्ड बताए थे मैंने आपको, ठीक है। वो तो फ्रेंड मास्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर चेंज करना था, लेकिन ये क्या है सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है इसका, ठीक है। वो जैसे मैंने आपको बताया था मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट, वो मास्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करना था, इसका सिंगुलर टू प्लूरल बनाना आपको, ठीक है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो आप क्या करेंगे, आपने कहीं देख आप देखते भी होंगे, जैसे आपको यहाँ लगा देंगे ब्रदर इन लॉज, इसके पीछे एस लगा देंगे, जो बिल्कुल रॉन्ग होता है। आपको एरर मिलेगी, एरर पार्ट में पूछा जाएगा आपको, एरर जो पूछ जाती है, दो तीन नंबर की है, तीन नंबर की है फ्रेंड एरर पूछ जाती है, तो उसमें आपको इस प्रकार की एरर मिलेगी, जैसे ब्रदर इन लॉज, ठीक है। तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। जो मैन मैन वर्ड होता है, जैसे ब्रदर होता है, मैन क्या है ब्रदर, तो इसके साथ एस लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ एस, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, तो मैन वर्ड क्या है इसमें ब्रदर है, तो ब्रदर के साथ एस लगाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। जैसे बेडरूम, तो इसमें मैन क्या है रूम, ठीक है, तो रूम्स बेडरूम्स, ठीक है। कमांडर इन चीफ, तो इसमें जो कमांडर है मैन है कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर, इसमें डॉटर मैन है तो डॉटर स्टेप डॉटर्स। जैसे मेड सर्वेंट है तो सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। जो पी हैन है तो पी हैंस हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड है इनके साथ लगाने हैं, जैसे पीकॉक होगा पीकॉक्स हो जाएगा। मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ, मदर के साथ, सिस्टर सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ
ठीक है, मेंबर्स ऑफ हो जाएगा, मैन एटर, तो इस प्रकार के कुछ वर्ड हैं ये आपको देख लेना, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये है फ्रेंड, ये रूल देखना कुछ, ये मोस्ट मोस्ट है, ये रूल देखना, जैसे नाउन का रूल कैसे, तो इनके साथ वाउल भी प्रयोग, जैसे फ्रेंड जो ये होते हैं ना फ्रेंड, जैसे मैन होता है, मैंने आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, जैसे मैन होता है जिसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है इसका, एम ई एन हो जाता है, ठीक है ठीक है। कहीं आप मेंस लगा दो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, ठीक है फ्रेंड, ये गलती मत करना, कहीं आप मेंस लगा दो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, तो इसका प्लूरल कैसे मिलेगा, मैन बनेगा, ठीक है फ्रेंड। और ये देखना, जैसे फुट होता है फ्रेंड, फ्रेंड डबल ओ ना फ्रेंड, आपको बताता हूँ, जब डबल ओ का कभी जैसे आपको चेंज करना ना, तो आप सीधा डायरेक्ट ई डबल ई लगा देना, ठीक है, इनके बीच में फिट हो जाएगा सीधा एफ, यहाँ पे डबल ओ की जगह क्या लगाओ, डबल ई और टी, इसका क्या बन गया है, अब ये प्लूरल बन गया, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल है, सिंपल है, आपको क्या बन गया है, प्लूरल बन गया, ठीक है फ्रेंड। जैसे गूज का, जैसे गूज हो गया फ्रेंड, गूज का क्या बन जाएगा, डबल ओ की तरह डबल ई लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे वो मैन का हो गया, वो मैन का क्या लगाएंगे, ए की जगह क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, ठीक है, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। टूथ का जैसे टू टी डबल डबल ओ है, तो इसका टी डबल ई लगा देंगे, ठीक है। जैसे लूज, लूज का लाइस हो जाएगा, ओसिस का ओसिस फ्रेंड। जैसे एक होता है फ्रेंड, जैसे ये एग्जाम में जाता है, जैसे बेसिस, बेसिस का फ्रेंड जैसे आपको देगा बेसिस, इसका प्लूरल बनाओ, तो इसके इसके साथ, इसके साथ ना आई के साथ ई लगा देना, वैसे बेसिस, तो इस प्रकार के कुछ रूल होते हैं ये जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। आई होगा तो उसका ई एस लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओसिस दे रखा है, तो ओसिस का ई एस लगा देना, ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट रूल है जो एग्जाम में बनती है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखना फ्रेंड, ये देखना मोस्ट रूल है, बहुत ही मोस्ट मोस्ट है फ्रेंड, जो मैंने मोस्ट मोस्ट वहीं को लिया फ्रेंड। आपने देखा होगा चिल्ड्रंस, आप क्या कहते हो, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, ठीक है, आपको ज्यादातर कहता था चिल्ड्रंस, तो चाइल्ड होता है ना फ्रेंड, चाइल्ड जो बच्चा, ये क्या होता है, चाइल्ड ये होता है सिंगुलर, क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसका जो प्लूरल बनते हैं ना फ्रेंड, वो चिल्ड्रन बनता है, क्या बनता है, वो चिल्ड्रन बनता है, ठीक है। लेकिन आप चिल्ड्रंस बोलते हैं ना फ्रेंड, वो रॉन्ग होता है, जैसे ये ऑक्स ऑक्शन, ठीक है फ्रेंड, ऑक्स ऑक्शन, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, ऑक्स ऑक्शन, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ वर्ड होते हैं इनके साथ ये लगा फ्रेंड, ये है मोस्ट रूल, ये देखना इलेवंथ रूल, जो ये देखना, ये रूल देखना फ्रेंड, फ्रेंड जैसे ये हो गया ब्रोदर, क्या हो गया फ्रेंड, ये हो गया ब्रोदर, ब्रोदर क्या होता है फ्रेंड, ब्रोदर ये क्या होता है, भाई होता है, क्या होता है, ब्रोदर भाई होता है, क्या होता है फ्रेंड, ब्रोदर क्या होता है, भाई होता है, क्या होता है, भाई होता है ब्रोदर। लेकिन फ्रेंड यहीं पे आप कहते हैं ब्रोदर्स, या यहीं पे क्या है, ब्रोदर्स, तो ब्रोदर्स क्या हो गया, ब्रोदर्स क्या हो गया, ब्रोदर्स क्या हो गया, जो दो भाई हो गए फ्रेंड, जो दो भाई, जैसे जो ब्रोदर, ये ब्रोदर क्या है, सिंगुलर है, ये ब्रोदर्स क्या हो गए, प्लूरल हो गए, जो सगे भाई हो गए, दो भाई हो गए, तीन भाई, ठीक है फ्रेंड। जब ब्रदरन ये बात करते, ब्रदरन क्या, जब ये कहते ब्रदरन, क्या कहते ब्रदरन, तो फ्रेंड ये इस ब्रदरन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इससे एरर आती है ब्रदरन से, क्योंकि आपको ना फ्रेंड कहीं भी ये ब्रदरन ज्यादा देगा, क्योंकि जो जब सगे जो भाई की बात हो रही है ना फ्रेंड, जो सगे भाई की बात हो रही है, जैसे हम सगे भाई सेम, जो माता पिता के जो, जैसे सेम जो पेरेंट्स के जो है बेटे हैं, ठीक है, ये तो एक माता पिता जो बेटे, तो फ्रेंड उन वहाँ पे आपको ब्रदरन लगा के देगा, ब्रदरन लगा के जो एरर आएगी, क्योंकि ये एरर ना नेवी में पूछी जा चुकी है, जो ब्रदरन की एरर है ना फ्रेंड, ये नेवी में आ चुकी है, ठीक है, इनसे एरर बनती है। ये जो कजन वाला हो गया था, उससे भी एरर बनती है, ज़्यादातर कजन की एरर बनती, कजन कजन के साथ ब्रोदर लगा दिया, सिस्टर लगा दिया, तो उससे एरर बनती है ब्रदरन। तो ब्रदरन क्या होता है फ्रेंड, जैसे भाईचारा होता है ना फ्रेंड, जैसे हम अपने फ्रेंड को क्या कहते हैं, फ्रेंड जैसे अपना फ्रेंड होते हैं उनको भी हम भाई बोलते हैं, बोलते हैं फ्रेंड, जैसे फ्रेंड कह देते हैं आज तेरे भाई ने वो किया, आज तेरे भाई ने आज वो किया, तेरा आज भाई वहाँ गया, तो फ्रेंड ऐसे आप कह नहीं देते हैं, तो वो क्या होता है, भाईचारा होता है, तो वो भाईचारा होना होता ना फ्रेंड, उसी ब्रदरन बोलते हैं, ठीक है। जो अपने फ्रेंड होते हैं हम उनको भाई कहते हैं, तो वो होता है ब्रदरन, ये सगे भाई होते हैं, ठीक है, इनके लिए ब्रोदर का यूज होता है, ठीक है, जो प्लूरल तो ब्रोदर्स, और जो ब्रदरन जैसे फ्रेंड हो उन्हें हम भाई बोलते हैं, उसके लिए ब्रदरन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना फ्रेंड, क्लोथ होता है, जो कपड़े होते हैं, क्लोथ क्या होता है फ्रेंड, कपड़े होते हैं, और जो क्लोथ्स होता है ना फ्रेंड, ये क्या होते हैं, क्लोथ्स, जब फ्रेंड आपको ना एग्जाम में ऐसे देगा, एग्जाम्पल में आपको एरर मिलेगी ना, तो वहाँ पे क्लोथ की जगह ना फ्रेंड क्लोथ्स दे देगा। क्लोथ्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो कपड़े के टुकड़े होते हैं ना फ्रेंड, क्या, कपड़े के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, और जो जो कपड़े के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं क्लोथ्स, क्लोथ ये क्या होते हैं फ्रेंड, सिले सिलाए जो गारमेंट्स में हमने कपड़े मिलते हैं ना फ्रेंड, क्लोथ्स, जैसे ये फ्रेंड इसके साथ ओनली एस लगा है, तो ये क्या है, ये कपड़े के टुकड़े हो गए, और ये ई एस लगा कंप्लीट हो गया, तो आप ऐसे ट्रिक्स याद कर लेना, जैसे इसके साथ एस लगा है तो ये क्या होगा,
तो इस कपड़े के टुकड़े हो गए। अगर फ्रेंड इसी के साथ ये से लगा देंगी तो ठीक है फ्रेंड, ये जो जगह जो सीमित जो जो सिले सिलाई जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं उन्हें उन्हें क्लोथ्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल देना, जैसे डाई हो गया, डाई का क्या मतलब होता है, डाई मर, डाई जो मर जाना, ठीक है, एक डाई होता है मर जाना, ठीक है फ्रेंड, डाई क्या होता है मर जाना, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ एस लगा देंगे, डाइज, डाइज फ्रेंड, एक डाइज क्या होती है स्टैंप, जो मोर लगाते हैं फ्रेंड, इसे मोर लगाते हैं हम, डाइज एक स्टैंप वो हो गई डाइज। और फ्रेंड एक डाइस डी आई सी वाई डाइस क्या होती है, जैसे पासा फ्रेंड, जो है पासा खेलते, जैसे लूडो खेलते हैं फ्रेंड, तो उसमें जो पासा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनके हर जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी का, जैसे उनके साथ एस लगाने से फ्रेंड का मतलब ही चेंज हो जाता है, उनका जो मीनिंग होता है ना फ्रेंड वो ही चेंज हो जाता है उनका एस लगाने से। जैसे नेक्स्ट देखना फ्रेंड, इंडेक्स हो गया, इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड, सूची होती है, एक सूची होती है ना फ्रेंड इंडेक्स, जैसे इंडेक्स रैंक होगी तो सूची होगी, ठीक है, इंडेक्स एस इसके साथ एस लगा देना फ्रेंड तो एक टेबल होगी, एक सूची की जो अनु जो तालिका होती है फ्रेंड, सूची तालिका होती है जिसमें अनुक्रमांक होते हैं, तो क्या पूरी टेबल हो गई। ठीक है, और इंडिस इंडेक्स ये जो साइज ये होता है ना फ्रेंड, ये क्या होता है, ये एलजेब्रा में यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है, एलजेब्रा में यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखना फ्रेंड, अब ये देखना फ्रेंड जो लैटिन वर्ड होते हैं इनका कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे डेटम हो गया, ओव्यूम हो गया, एजेंडम हो गया, डिक्टम हो गया, मोमेंडम हो गया फ्रेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड इनका जो प्रूफ आते हैं ना फ्रेंड, तो यूएम है ना फ्रेंड, ये यूएम जिनके पीछे डेटम में यूएम आया है, तो इसका इसको हम रिमूव करके कैसी जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, क्या कर देंगे फ्रेंड, इसकी जगह यूएम की जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और उसका हम प्लूर बना देंगे। जैसे डेटम का जो प्लूर होता है वो डेटा होता है। ठीक है, जैसे एजेंडम होगा एजेंडा हो गया, डिक्टम डिक्टा हो गया, ठीक है, मेमोरेंडम मेमोरेंडा हो गया, स्ट्रेटम तो स्ट्रेटरा होगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के कुछ वर्ड होते हैं जी फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट मोस्ट हैं फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, मोस्ट होगी ना फ्रेंड जो पूछ जाते हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये देखना फ्रेंड, जैसे असाइलम असाइलम्स हो गया फ्रेंड, मैंने आपको बताया था वो मेमोरेंडम फ्रेंड, जिनके पीछे यूएम होता ना फ्रेंड, कुछ मैंने आपको वैसे ये बताया था, जैसे ये उल है जिसके पीछे भी यूएम है, लेकिन ये कुछ जो एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे असाइलम हो गया असाइलम्स हो गया, इसके पीछे एस लगे खाली, म्यूजियम म्यूजियम्स हो गया, प्रीमियम प्रीमियम्स हो गया, फोरम फोरम्स हो गया, पेंडुलम पेंडुलम्स हो गया। ठीक है फ्रेंड, इनके पीछे यूएम लगा, लेकिन इनका प्रूफ बनाने के लिए ना फ्रेंड, तो इनके पीछे एस लग गया, असाइलम्स म्यूजियम्स प्रीमियम्स फोरम्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखना, जैसे फ्रेंड ये कुछ वर्ड है, जैसे रेडियस का ये फ्रेंड एग्जाम पूछा जा चुका है, रेडियस का रेडियाई हो गया, सिलेबस का सिलेबियाई हो गया। ठीक है फ्रेंड, जो एस होता है इनको हटा के डबल आई लगा देते हैं। ठीक है, ये एस लगा, इसमें एक आई लगा दिया, तो ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार की फ्रेंड कुछ मोस्ट फ्रेंड, एक बार ज्यादा आप इतनी गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक से एक बार सारे पीडीएफ को कवर कर लेंगे ना फ्रेंड, एक दो बार पढ़ लेंगे वीडियो का, आपको दो बार देख लेना और मैं आपको पीडीएफ दो से पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से कुछ तो एक दो दिन पहले आप इनको अच्छी तरह देख लेना। ठीक है फ्रेंड, इससे आपका शोर एक परसेंट एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखना, जैसे फ्रेंड जैसे एक नंबर का जो जो फेमाइन टू मास चेंज करना था, एक नंबर का, ठीक, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने का था, तो फ्रेंड यहाँ से आपके दो नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आपके दो नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये देखना, जैसे एनालिसिस फ्रेंड, मैंने आपको जैसे बेसिक का बताया था, बेसिक का जो एग्जाम में पूछा गया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेसिक का जैसे आई होता है ना फ्रेंड, इसके पीछे आई हटा के ई लगा लग जाता है और जो प्रूल बन जाता है, जैसे बेसिस हो गया, तो बेसिस का जो प्रूल बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आई हटा के इसके जगह क्या लगा देंगे, बी ए एस ई एस। ठीक है, तो इसका बेसिस हो गया, इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे एनालिसिस हो गया, एनालिसिस का इसके आई एस हटा के ई एस लगा देंगे, क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो गया। ठीक है, ये लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, बेसिस, तो ये बेसिस वाला एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है फ्रेंड, नेवी का, वो रिपीट होते रहते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, जैसे फ्रेंड आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये आ गया ना फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट में, तो उससे कुछ सेकंड शिफ्ट में ना फ्रेंड, उससे कुछ रिलेटेड ना कुछ दूसरा दे देंगे। ठीक है, सेम दे देंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो कुछ अनदर होगा वो दे देंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंड फिनोमिनम फिनोमिनन, जैसे ओन ऑल वाला होगा तो इसके फिनो इसके आई हटा के ओल ए लगा देंगे, फिनोमिना होगा, क्राइटेरियन क्राइटेरिया हो गया, तो इसका जो प्रूफ बनते हैं फ्रेंड, ये देखना फ्रेंड, ये फ्रेंड ये तो आपकी अब तक तो एयरफोर्स भी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वर्ड फ्रेंड आपको मैंने बता देता हूँ ये, लेकिन अब तक एयरफोर्स भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है फ्रेंड डिक्टम, जैसे डेटम होगा डेटा, फिनोमिनन फिनोमिना, इंडेक्स, इनसे तो पूछा जा चुका है फ्रेंड अब तक, बेसिस होगा ये भी आ चुका है, लेकिन इनसे अब तक आया नहीं है। ठीक है फ्रेंड, वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये रूल भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, जैसे फ्रेंड जैसे वन होता है, वन इसका जो प्रूफ बनाएंगे ना फ्रेंड, क्या कर देंगे, वन के साथ एस लगा देंगे, क्या वन के साथ एस
लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, वन के साथ क्या करेंगे हम एस लगा देंगे जो सपलूल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड जैसे इफ हो गया इफ्स, बट हो गया बट्स, ठीक है, जैसे एम पी फ्रेंड, जैसे एक होता है फ्रेंड ये कि जो आपको है ना एक इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, जैसे बी होता है ना फ्रेंड, बी बी इसके साथ है ना फ्रेंड एस भी लगाते हैं एस सी भी लगाते हैं, और बी जो है होता है ना फ्रेंड बी इसके साथ ना जो अपोस्ट्रोफी है नहीं होता फ्रेंड, अपोस्ट्रोफी लगा के फिर इसके साथ एस लगा देते हैं, ये ऐसे भी इसका प्लूरल बनता है। तो फ्रेंड इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है ये देखना आपको, ये कन्फ्यूजन जैसे फ्रेंड इसके साथ डायरेक्ट एक्स कब लगाएंगे, डायरेक्ट एक्स जब लगाएंगे जब फ्रेंड ये बी ए ना बी ए ये डिग्री ना होकर बी इसका प्रयोग तो डिग्री के लिए जाता है, डिग्री हो ना फ्रेंड बी जो डिग्री होती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ना बी ए इसका बी एस इसका डायरेक्ट एस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे इसका जो ओल्डर नेम हो, जैसे आपको मैं बताता हूँ जैसे जो ओल्डर नेम होते हैं ना फ्रेंड उनके लिए इसका यूज करते हैं, किसका जैसे ओल्डर नेम होते हैं जैसे फ्रेंड ओल्डर नेम जो फ्रेंड जैसे बी ए वाले व्यक्ति को एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फ्रेंड बी ए वाले व्यक्ति जो बी ए ओल्डर पर्सन है उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो फ्रेंड जैसे अब पर्सन के लिए यूज हुआ है बी ए जो बी ए वाले जो ओल्डर पर्सन है जो उनके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड बी ए एस का यूज करेंगे। ठीक है बी ए एस, ठीक है उनका पुल कैसे बनाएंगे बी एस, अगर जब यहाँ डिग्री की बात क्यों बी ए इज द जिस पर डिश जैसे डिग्री की बात की जाए, ठीक है ठीक है, तो इस प्रकार के जिनके पास जैसे बीए की डिग्री जैसे डिग्री है बीए की तो उनको ठीक है जिसके पास बीए की डिग्री है उनका अपॉइंटमेंट है, तो जैसे जो डिग्री ना फ्रेंड उसके लिए ना जो डिग्री के लिए किसका यूज करेंगे हम बीए अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे इसका प्लूरल ऐसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड ये ज़्यादा कन्फ्यूज बात है फ्रेंड, ठीक है ये ज़्यादा आप ठीक है, जैसे टेन हो गया टेन का एस लगा देंगे फ्रेंड, जो ये अल्फाबेट होते हैं आई ये देखना फ्रेंड जो अल्फाबेट होते हैं ना फ्रेंड जैसे ए हो गया ए के जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, बी हो गया तो इसका अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, तो इस प्रकार के जैसे वर्ड होते हैं इनके साथ आप एस लगा देना ठीक है इनका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड जो मैंने से बताया पी हो गया फ्रेंड इनके साथ तो अपोस्ट्रोफी लगाना है, और जैसे वन टू थ्री होते हैं फ्रेंड के साथ डायरेक्ट एस लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड तो नेक्स्ट देखना ये रूल देखना फ्रेंड, जैसे फ्रेंड कुछ जो नाउन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल अर्थात अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड जैसे आपको उनके पीछे एस लगा दो ना फ्रेंड तो क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये रूल पूछ जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है फ्रेंड। ठीक है जो कहता हूँ फ्रेंड मोस्ट आईएमपी रूल है ये वो रूल है। ठीक है फ्रेंड जो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, जैसे फ्रेंड एयर होता हवा, एयर क्या होता है हवा होती है, तो फ्रेंड एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स करना ना फिर एयर्स हो जाएगा ना पुलिस का इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका दिखावटी व्यवहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिखावटी व्यवहार हो जाएगा, इसे रिटर्न होता है फ्रेंड वापसी करना होता है, लेकिन रिटर्न करने करने के बाद फ्रेंड रिटर्न इसके एस लगा देना तो इसके मतलब आय का हिसाब करना हो जाएगा, आय का उसकी आय कितनी उसका हिसाब करना। ठीक है फ्रेंड जैसे फ्रेंड आयरन है, आयरन का अपन मतलब लोहा पड़ा होगा, लोहा आयरन का हो गया लोहा, लेकिन आयरन करने से जो हथकड़ी होती है ना हथकड़ी जो जंजीरें होती हैं हथकड़ियाँ होती हैं वो उसका मतलब वो हो जाता है। ठीक है आयरन हथकड़ियाँ जंजीरें। ठीक है फ्रेंड जैसे फ्रेंड सैंड है, सैंड आप रेत कहते हैं, लेकिन सैंड्स एस लगाने फ्रेंड जो डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान होते हैं डेजर्ट रेगिस्तान वो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड जैसे वुड होता है लकड़ी तो वुड्स करने से फ्रेंड जंगल हो जाता है जंगल। ठीक है वुड क्या होता है लकड़ी, वुड्स क्या होता है जंगल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड तो इस प्रकार के वर्ड जैसे अब्यूज हो जाए अब्यूज होता है गाली देना, ठीक है दुरुपयोग करना तो अब्यूसिज हो जाने से कुरूतियाँ हो जाएंगी। ठीक है कुरूतियाँ ठीक है जो समाज में फैल जाती है कुरूतियाँ, जैसे गुड़ हो गया अच्छा गुड़ हो गया अच्छा तो इसका इसका जो गुड्स समान हो जाए गुड्स समान हो जाए, वाटर पानी होता है वाटर्स करने से समुद्र हो जाता है। ठीक है फ्रेंड तो वर्क होता है काम तो वर्क्स होता है फ्रेंड साहित्य लेख। ठीक है ये फ्रेंड मुझसे एरर पूछी जा चुकी है वर्क से। ठीक है जैसे जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा उसमें बता दूँ। ठीक है वर्क काम होता है वर्क्स। ठीक है फ्रूट हो गया फ्रूट्स हो गया तो इस प्रकार के कुछ वर्ड है। जैसे नेक्स्ट देखना फ्रेंड ये देखना नीचे वाला कस्टम होता है रिवाज तो कस्टम्स होता है सीमा शुल्क। ठीक है मैनर होता है तरीका तो मैनर्स होता है तरीके शिष्टाचार। ठीक है फ्रेंड आपको फ्रेंड आप जो बोलचाल की भाषा यूज करते हैं जैसे फ्रेंड आप किसी को इसे बिल्कुल मैनर नहीं है। ठीक है ठीक है इसे इसको मैनर नहीं है बोलने का इसको फ्रेंड जैसे आप कुछ कुछ कह देते हो आप क्या कहते हो जैसे इसे बोलने का मैनर नहीं है मैनर नहीं होता। ठीक है फ्रेंड वो क्या होता है मैनर्स होता है इसे बोलने का मैनर्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड अपनी आम बोलचाल भाषा यूज करते हैं फ्रेंड जैसे आप कहते हैं किसी लड़के को जैसे ये बोलने का मैनर नहीं है वो मैनर नहीं होता फ्रेंड वो क्या होता है मैनर्स होता है। ठीक है जो शिष्टाचार जो तरीका होता है जो आचरण होता है ना फ्रेंड वो मैनर्स होता है। ठीक है फ्रेंड तो आप मैनर मत करना किसी को ठीक है मैनर्स बोलना ठीक है तो वो गलत होता है। ठीक है पेन होता दर्द पेन से हो जाता तो जो अथक प्रयास हो गया। ठीक है
क्वार्टर, एक चौथाई क्वार्टर्स हो जाते हैं, एक चौथाई आवास, ठीक है, लेटर होता चिट्ठी, तो लेटर्स हो जाएगा साहित्य, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार के कुछ ये फ्रेंड सिमिलर रूल हैं फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक बेसिक सभी बता दिए हैं, ठीक है फ्रेंड, एक बार आप रिवाइज कर लेना है फ्रेंड, यही तक रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो नाउन का टॉपिक फ्रेंड, जितना एयरफोर्स में जो पूछा जाएगा, नेवी में जो पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने मैन मैन है वो आपको करवा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एक टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है फ्रेंड, टेस्ट सीरीज मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसमें आप अपना स्कोर देख लेना, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप जिस लेवल पर पहुंचे हो, आपका लेवल है क्या, जो आप एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई करो या नेवी एग्जाम क्वालिफाई करो उसको, तो ठीक है फ्रेंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छी से करते रहना, ठीक है फ्रेंड।